फजील अहमद साहब, जी ये महाराष्ट्र का जवाब है बिहार में जो हुआ, या बिहार में महाराष्ट्र न दोहरा दिया जाए, कोई एकनाथ शिंदे यहां भी प्रकट हो जाए? आरसीपी सिंह का प्रकरण चल ही रहा था, क्या मानना ज्यादा ठीक होगा आपकी दृष्टि से, कि दूसरा एकनाथ शिंदे ना आ जाए, या महाराष्ट्र का जवाब देना था इसलिए ऐसा कर दिया? नहीं नहीं अमिताभ जी जी, ये एकनाथ शिंदे बिहार में ना हो जाए, ये आपका कहना सही है जी, मैं इससे आपसे सहमत हूँ, क्योंकि आरसीपी सिंह के बहाने महाराष्ट्र की घटना को बिहार में दोहराया जा रहा था, क्योंकि 45 सीट थी जेडीयू के पास, तो कभी भी एक बड़ा दल उनके साथ हो सकता था, इस बात की आशंका थी। और ये आपका सोचना बिल्कुल सही है कि एकनाथ शिंदे बिहार में खोजा जा रहा था, तो एकनाथ शिंदे ना हो इसलिए पहले ही उसको चेत गए और महाराष्ट्र जैसी स्थिति को बनने से रोक लिया, ये सही है आपका जी। वैसे भी आरसीपी सिंह अभी 3 दिन पहले कह रहे थे कि ई जन्म तो छोड़ो, 7 जन्म नीतीश प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। देखिए ये तो नहीं, सुनिए, ललन सिंह उस पर कह रहे थे कि कौन है आरसीपी, 98 में नीतीश बाबू के पास इस जैसे 14 अधिकारी थे, काम करते थे जिनके अंडर में, तो लड़ाई इस लेवल पर आ गई थी, इसलिए वो मतलब जवाबी कीर्तन हो रहा था दोनों तरफ से, तो तय था कि होना है। एके मिश्रा जी, बाकी सब तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन 24 के चुनाव तक अगर ये नया कॉम्बिनेशन बना रहा जो बनने जा रहा है, तो स्थिति होगी बीजेपी वर्सेज जेडीयू आरजेडी, लालू नीतीश, ठीक। बिहार को जो लोग जरा भी समझते हैं राजनीतिक तौर पर, वो इस बात से सहमत होंगे कि लालू और नीतीश के एक साथ खड़े होने के बाद, अभी 10 साल बाद क्या होगा ईश्वर जाने, अभी बिहार में किसी के लिए बड़ी राजनीतिक जगह चुनाव में नहीं बचती, और ऐसा दिख भी चुका है, प्रमाण भी है। तो क्या 24 में इस प्रयोग का नुकसान होगा? मैं 25 तक जा ही नहीं रहा, अभी मैं लोकसभा चुनाव तक जा रहा हूं, बिहार बड़ा सूबा है जी। अमिताभ जी देखिए, बात केवल लोकसभा या विधानसभा चुनाव की नहीं है, यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि बिहार की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, वहां पे आरजेडी और उनके जो अभी अलायंस है, अगर उनका समीकरण आ जाए तो बीजेपी के लिए अभी भी वहां पे जमीन तलाशना बहुत मुश्किल है, या उतना परफॉर्म करना अभी मुश्किल है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उनको मुख्यमंत्री रहना है, तो मुख्यमंत्री तो वो रहते 2024 तक या अगले चुनाव तक भी वो रहते मुख्यमंत्री, तो उन्होंने ऐसा किया क्यों? उसके पीछे उनका व्यक्तिगत प्रॉब्लम मुझे समझ में आती है, क्योंकि बीजेपी के साथ टाई अप होने के बाद उनकी स्थिति कुछ ऐसे ही थी जैसे जीव, मतलब 32 दांतों के बीच में जीव रहती है। बीजेपी में एक से एक कद्दावर नेता है, वहां पे उनको अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, अपनी पहचान बना लेना और स्वच्छंद होके सत्ता के सुख को या सत्ता के पावर को महसूस करना, मुझे लगता है थोड़ा सा वो उनको कठिन हो रहा था। तो उन्होंने अपने से नीचे के जो लोग हैं, देखिए अब यहाँ पे जो टीम बनी है उसमें तो सबसे रिस्पेक्टेड, सबसे कद्दावर, उम्र के हिसाब से हर हिसाब से वही रहेंगे, उनके ऊपर कोई उतना उंगली उठाने वाला नहीं रहेगा। नहीं मिश्रा जी, एक मिनट, बिहार में नीतीश के कद से बड़ा भाजपा में कौन था? नहीं, भाजपा कोई नहीं था, मैं तो वही बोल रहा ना, भाजपा में भी नहीं था कोई, मतलब नहीं, बीजेपी बिहार की बात मत करिए, जब उन्होंने बीजेपी से टाई अप किया तो सेंट्रल में इतने कद्दावर नेता है कि जैसे सूर्य के सामने फिर उनकी स्थिति दीपक की हो गई है। भाई बीजेपी बिहार का, अभी देखिए बात चली है, बात अब अमित शाह जी कर रहे हैं, वहां पे अमित शाह जी जो है बात कर रहे हैं, सारे केंद्रीय मंत्री जितने कद्दावर नेता हैं वो बिहार पहुंच रहे हैं, तो ये परिस्थिति उनके लिए मुझे लगता है कहीं वो घुट घुट करके जी रहे थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिन लोगों के साथ नीतीश बाबू ने अभी टाई अप किया है ना, वो भी उनके परम मित्र या परमानेंट मित्र नहीं है, है तो इंटरनल कॉम्पिटिशन उनसे भी होगा ना। अगले चुनाव में या 2024 के चुनाव में आरजेडी नहीं चाहेगी क्या कि हम अपने दम पे सरकार बनाए? तो ये एक चुनौती भी है, तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत मुश्किलें नीतीश बाबू की ज्यादा है,
जिसका उन्होंने एक ये सलूशन निकाला जी। और महाराष्ट्र पार्ट टू, महाअघाड़ी पार्ट टू अब होना बाकी है। तीन तिकाड़ा काम बिगाड़ा, ठीक तीन ठीक पार्टियों ठीक का इन्होंने लिया है, आगे देखिए क्या होता ठीक, है। ठीक है, इसमें 300 से ज्यादा पार्टियां हैं। खैर, एक चीज समझना बहुत जरूरी है। जनता दल के एक नेता मुझसे कह रहे थे कि अभी बीजेपी ने वहां 15-20 दिन पहले अपने 6 मोर्चों का एक कॉन्क्लेव रखा था पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल, उसमें उसमें जगत प्रकाश नड्डा भी गए थे और अमित शाह जी भी गए थे। तो जगत प्रकाश नड्डा ने उसमें कहा कि आने वाले कुछ वर्षों में कोई रीजनल पार्टी बचेगी नहीं भारत में, सिर्फ भाजपा होगी। ये बयान एक अणे मार्ग में भी सुना गया मुख्यमंत्री के यहां भी। उसके दूसरे दिन समापन भाषण उद्बोधन था अमित शाह जी का, उन्होंने अपने नेताओं से कहा कि आप 24 पर फोकस करो, 25 में क्या होगा हम तब बताएंगे। यह बयान भी एक अणे मार्ग में सुना गया। तो इसके बाद जो भी लोग राजनीति का ABCD जानते हैं वो जानते हैं कि ये इस अलार्म बेल बज गई, इसके बाद भी आप बैठे रहेंगे तो सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटेगी, महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर विधायक गुवाहाटी मिलेंगे। एके मिश्रा जी, ये भी तो मसला है ना बिल्कुल भाई, जब इतनी बात हो गई कि हमारे हम वरना कोई सहयोगी साझीदार ऐसा बोलता है क्या कि हमारे सामने फिर कोई टिके करे, सब खत्म हो जाएंगे, एको अहम द्वितीयो नास्ति। भाई ऐसा सुन के तो फिर समझदार आदमी तो भागेगा, बाद में गली बंद मिले अलग बात है, लेकिन पहले तो भागेगा। खैर, मशकूर अहमद उस्मानी साहब, आपकी पार्टी को तो चलो कुछ रिलेवेंस वहां प्रासंगिकता आ जाएगी गठबंधन में, क्यों महाराष्ट्र से जो स्थिति बनी तो बिहार में उससे थोड़ी आपकी पार्टी को भी मुझे लगता है कि प्राणवायु मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल, अभी चूंकि JDU के प्रतिनिधि अभी नहीं जुड़े, लेकिन इसमें समझना चाह रहा हूं, पिछली बार जब तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों नीतीश की सरकार में थे, तब वो लोग लालू जी के लड़के के नाते थे। मशकूर भाई मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, ठीक। इस बार तेजस्वी बिहार के सबसे बड़े नेता के तौर पर हैं, तेजस्वी से बड़ा नेता तो कोई नहीं चुनाव में, चुनाव के हिसाब से ना भाजपा में ना कांग्रेस में ना JDU में, तेजस्वी अकेले हैं जो ये कह सकते हैं कि 79 सीट्स जिता के लाया मैं। तो अब वो होगा मंत्रिमंडल में, निभने पर थोड़ा सी शंका है कैसे निभेगी मशकूर अहमद उस्मानी, चाचा और भतीजे में निभेगी कैसे। अमिताभ जी बहुत शुक्रिया जोड़ने के लिए। मैं अभी चर्चा सुन रहा था मिश्रा जी की और फजील जी की। देखिए, सबसे अहम बात जो समझने की है कि निभेगी कैसे। देखिए, ये अब तक JDU और BJP में जो निभ रही थी वो आज क्यों गठबंधन टूट गया, क्यों नहीं निभी, इसके पीछे क्या कारण है, उस कारण का आपने भी कुछ चर्चा किया। एक अहम बात जो अभी नहीं आ पा रही है उसको मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाह रहा हूं। जो सबसे बड़ी वजह है कि किस तरह से RCP सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया और खड़ा करने के साथ साथ 6-6 करोड़ रुपए का प्रलोभन दिया गया, 6 करोड़ का प्रलोभन दिया गया और 6 लोगों को दिया गया, JDU के 6 विधायक को 6-6 करोड़ का प्रलोभन दिया गया। और भाजपा की जब सरकार बन जाती कैसे भी जोड़ तोड़ करके तो उसमें उनको मंत्री पद दिया जाता। ये हाँ, वो तो फोन टेप कर ही लिए थे, वो फोन तो टेप कर लिए थे JDU के लोगों ने। हाँ जी, फोन टेप का मामला। दूसरा जो सबसे बड़ा मामला जो कई कई हफ्तों से आप कह सकते महीनों से फंसा हुआ है, बार बार जनता दल यूनाइटेड और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीजेपी से और बीजेपी के आला कमान से कह रहे थे कि स्पीकर का रवैया ठीक नहीं है, विधानसभा के अंदर स्पीकर का रवैया ठीक नहीं चल रहा, इसीलिए स्पीकर को बदला जाना चाहिए। और इस बात ये सार्वजनिक तौर पर ये बात बिहार की राजनीति में चर्चा में है, हम लोग चूंकि यहाँ पर 24 घंटे बिहार की राजनीति में रहती है तो ये बात आम चर्चा में है। और इस पर बीजेपी आला कमान की कोई सुनवाई नहीं हुई, और इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जब आते हैं बिहार तो ये कहते हैं कि रीजनल पार्टी को का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है रीजनल पार्टी अब नहीं बचेगी, उसको खत्म हो जाना चाहिए,
और इस तरह की बात गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी इससे पहले कुछ मौकों पर इन्होंने इशारतन इस बात को किया है, तो आप ये समझ लीजिए कि किसी भी रीजनल पार्टी में ये बेचैनी होगी। आज हम कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, अगर हम इस तरह की बात करने लगेंगे तो बेचैनी होगी और होनी भी चाहिए रीजनल पार्टी को बेचैनी। ये तमाम चीजें, और एक और अहम चीज जो अभी तक खुल के नहीं आ रही है, लेकिन अगर आप पर, चूंकि आप, आपको मैं बहुत पुराने समय से जान रहा हूं अमिताभ जी, आप तो पड़ताल करके सब कुछ निकाल लेते हैं, पड़ताल करके निकालिएगा कि बिहार के अंदर जो शराबबंदी का, जो शराबबंदी के बाद जो शराब तस्करी का गोरख धंधा चल रहा था, उसमें भाजपा के कितने मंत्री इन्वॉल्व थे और भाजपा के कितने लोग इन्वॉल्व थे। मैं आपको बता रहा हूं, दरभंगा जिला से जो मंत्री थे, ठीक है, उनके लोग ओपनली और बीजेपी के कार्यकर्ता दरभंगा और मधुबनी जिला के अंदर ओपनली जो है वो शराब की तस्करी कर रहे थे, करोड़ों रुपए कमा रहे थे। जब इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गई, हम लोगों ने लगातार इस मुद्दे को उठाया, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बुलाकर समझाया कि इस तरह से सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और बीजेपी आला कमान से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ऐसे मंत्रियों को बदला जाए और मंत्रिमंडल में फिर से बदलाव किए जाए। लेकिन बीजेपी आला कमान इस बात को कहीं से नहीं सुनी, और मुझे लगता है कि नीतीश जी करप्शन के मामले में वो कभी भी किसी तरह की चीजों को टॉलरेट नहीं करते, उनका एक इतिहास रहा है, और पिछले बार भी आपने इस बात को देखा, और जिस तरह से देश भर में बेरोजगारी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। मशकूर भाई, ये बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये भैया एक मिनट बाबू, रुक जा। भाजपा कहे, कांग्रेस कहे, लालू की पार्टी कहे, नीतीश की पार्टी कहे, बेरोजगारी फलाना ढिकाना, इन सब से ना सरकार बनती है, ना इनसे छोड़ी जाती है, ना इनके गठबंधन जिस मीटिंग में तय होता उसमें इनकी इस मुद्दे का नाम तक नहीं आता। यार देखो, है ना।